अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल को समझने जा रहे हैं, जिसमें सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझने जा रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है अ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्ट्रैंडेड पार्टी ऑन द ग्राउंड इफ द हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट 40 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द ग्राउंड. A. Where does the package strike the ground relative to the point at which it was released? B. What are the horizontal and vertical component of the velocity of the package just before it hits the ground? इसमें कहा जा रहा है रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, जब भी कोई सैलाब वगैरह कहीं आ जाता है तो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है एक सिनेरियो में बना कर दिया गया है और उसमें कहा जा रहा है उससे राशन को फेंका जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल रफ्तार से ये मूव कर रहा है. 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है और कहा जा रहा है चलते हुए हेलीकॉप्टर से 100 मीटर की हाइट से पैकेज को फेंका जा रहा है. अब इसकी जो हाइट बताई जा रही है वो है 100 मीटर. याद रहे चलते हुए हेलीकॉप्टर से अगर राशन को फेंका जाएगा तो वो कभी भी सीधा नहीं जा सकते, वो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि राशन के पास भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी जो हेलीकॉप्टर की होगी. लिहाजा इस तरीके से कर्व फॉर्म में प्रोजेक्टाइल की शक्ल में ये जाएगा. इसका मतलब इसकी वी नॉट एक्स, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी इस राशन की जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है जो हेलीकॉप्टर की रफ्तार थी और इसको अगर ऊपर की तरफ फेंका जाता तो इसकी कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू होती है. इसको सीधा सीधा ड्रॉप किया गया है लिहाजा इस पॉइंट पर उस पैकेज की जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो होगी जीरो. अब ये जो डिस्टेंस है ये एक तरीके से वर्टिकल डिस्टेंस, और याद रहेगा वर्टिकल डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव तब लेते हैं जब कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही हो, जबकि ये पैकेज जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रोजेक्टाइल में हम इसको लेंगे माइनस में. अब पूछा जा रहा है वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वॉज रिलीज. हेलीकॉप्टर यहाँ है और राशन को पैकेज को ड्रॉप किया गया है, जबकि इसको पैकेज को सूलन बिल्कुल सीधा आना चाहिए था लेकिन चलते हुए हेलीकॉप्टर की वजह से ये प्रोजेक्टाइल की शक्ल में जा रहा है. तो पूछा जा रहा है अपने इनिशियल पोजिशन के मुकाबले में जमीन पर वो कहाँ जाकर स्ट्राइक करेगा, यानी इस कंडीशन में पूछा जा रहा है आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताएं. याद रहे जब किसी चीज को जमीन से जमीन पर सेम लेवल से सेम लेवल पर दोबारा लेकर आते हैं वो रेंज कहलाती है, लेकिन जब कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे की ऊपर ऊपर तरफ चले जाए तो उस वक्त जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है वो रेंज नहीं होता, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाता है. और फिर कहा जा रहा है व्हाट आर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. जब वो पैकेज जमीन से टकराएगा उस वक्त उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी फाइनल और वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल क्या होगी ये पूछा जा रहा है. तब आते हैं हम डेटा की तरफ. तो डेटा में हमने यहाँ लिखा है कि हमें वी नॉट वाई जो है यहाँ मिला है जीरो, वी नॉट एक्स जो है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, वाई की वैल्यू जो है माइनस 100 मीटर. सवाल में हमसे पूछा जा रहा है आप एक्स बताएं, सवाल में पूछा जा रहा है वी एक्स बताएं, वी वाई बताएं और जी की वैल्यू जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल में जी की वैल्यू हमेशा प्लस में ही लेंगे क्योंकि जहां माइनस की नीड होगी वहां फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ होगा. आइए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला जब हम डेरिवेशन में ड्राइव करते हैं तो एक्स बराबर होता है किसके, वी नॉट एक्स टी के. अब हमारे पास वी नॉट एक्स तो है टी नहीं है, तो अब हम पहले टी की तलाश में बढ़ते हैं और टी तलाश करते हैं. जैसे ही हमें अगर टाइम मिल जाएगा तो हम एक्स मालूम कर सकते हैं. तो टी मालूम करने के लिए हम वर्टिकल डिस्टेंस का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं. वाई बराबर है वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब वाई की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है वो है माइनस 100, वी नॉट वाई हमें यहां दी गई है जीरो, टी अपनी जगह पर है, माइनस हाफ जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9.8 और ये बन जाता है टी स्क्वायर. माइनस 100 अपनी जगह पर है, जीरो जब टी से मल्टीप्लाई होता है ये जीरो हो जाता है, 9.8 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है माइनस 4.9 टी स्क्वायर. माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, 100 अपनी जगह पर है, 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड,
हमें टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें टी की चाहिए, लिहाजा हम क्या करेंगे, रूट को दोनों साइड पे लेंगे, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 100 को 4.9 से डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसका हम रूट लेते हैं, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाती है 4.5 सेकेंड। अब जैसा कि हमारे पास टाइम आ चुका है, लिहाजा हम इसमें इस फॉर्मूले में एक्स के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास एक्स हम मालूम कर सकेंगे। वी नोट एक्स हमारे पास है 40, टाइम हमारे पास है 4.5। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की वैल्यू आती है 180 मीटर। अब सवाल में हमसे पूछे जा रहे हैं वी एक्स और वी वाई भी हमें मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट होती है, जो इनिशियल होगी वही उसकी फाइनल होगी। इनिशियल वैल्यू हमें दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड, लिहाजा हमने यहां रख दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वी एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से वी वाई की अगर हम बात करते हैं तो वी वाई का हम फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया हुआ है, वी वाई बराबर है वी नॉट वाई माइनस जी टी के। वी नॉट वाई की वैल्यू हमारे पास है 0, माइनस जी की वैल्यू है 9.8, टी हमारे पास है 4.5। जब हम 9.8 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -44.1 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे यहाँ जाके हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी नई अपलोड करदा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। याद रहे हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स से रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल को बारी बारी हम अपलोड करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।